तो गाइस आज हम बात करेंगे जो VFS की न्यू अपडेट आई है उसके बारे में। हेलो गाइस, तो कैसे आप? आई होप कि आप सब अच्छे हो गए। तो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस आज हम बात करेंगे जो VFS की न्यू अपडेट आई है उसके बारे में। जैसे कि बहुत सारे जो दोस्त हैं जो अपॉइंटमेंट का वेट कर रहे हैं, नॉर्थ साइड में भी, साउथ साइड में भी, और मेरे से भी बहुत सारे दोस्तों की बात हुई है। तो मैंने उसको जो सिचुएशन थी वो उनको करेक्टली बताया था कि जो अपॉइंटमेंट है वो बिल्कुल बंद हो गई है। तो आप लोगों ने और भी किसी एजेंट से पता किया होगा तो आपको वही सुनने को आया कि अपॉइंटमेंट है जो बिल्कुल बंद है। तो अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि VFS ने अपनी जो ऑफिशियल साइड है उस पर एक न्यूज़ दी थी 26 तारीख को। अभी बहुत सारे दोस्त जो देखते रहते हैं तो उनको तो पता चल गया होगा, लेकिन जो दोस्त ज़्यादातर नोटिस नहीं करते हैं तो मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि उनको पता चल सके कि अभी जो आने वाली 31 जनवरी है, 31 जनवरी को वो जो स्लॉट्स ओपन करेंगे साउथ साइड के। और जो भी मेरे दोस्त साउथ साइड में अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं मुंबई एम्बेसी के लिए, जो स्लॉट ओपन होंगे वो मार्च मंथ के लिए जो स्लॉट है वो ओपन करेंगे। तो जो भी मेरे दोस्त हैं ट्राई कर रहे हैं, आप खुद से अपनी अपॉइंटमेंट उठाने की ट्राई करें, क्योंकि आपको बेटर होगा कि आप जहां पर 70-80 हज़ार देने से अच्छा है कि आप खुद से ट्राई करें और आपका जो स्लॉट है 936 रुपये में ही वो जो बुक हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं करें कि आप उसी टाइम में जो 31 तारीख को, आप सुबह में अर्ली मॉर्निंग पहले से ट्राई करें, क्योंकि जब स्लॉट्स ओपन होंगे तो एकदम से आपको पता है कि उनकी जो वेबसाइट है वो पूरी एकदम स्लो हो जाती है। तो अच्छा है कि आप पहले से उस साइड को ओपन करके रखें और कोशिश करें कि जो साइड है वो अर्ली मॉर्निंग आप ओपन कर लें। एक बार साइड आपकी ओपन हो गई तो बाद में फिर वो जो क्लोज नहीं होगी, तो बेटर होगा इसलिए कि आप पहले से ओपन रखें। अगर आप ट्राई करोगे 9 बजे के बाद उसको ओपन करने की ट्राई करोगे तो वेबसाइट नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने जो न्यूज़ दी है उस पर स्पेशली मेंशन किया है अभी स्लॉट्स थोड़े टाइम के बाद ओपन हो रहे हैं तो बहुत सारी उसमें ट्रैफिक देखने को मिल सकती है। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप 31 तारीख तो देखें, लेकिन ट्राई करें कि अर्ली मॉर्निंग आप अपनी जो वेबसाइट है उसको ओपन कर लें, ताकि बाद में अगर ट्रैफिक आती भी है तो आपकी वेबसाइट है वो ओपन रहे। एक दिन की बात है, एक दिन आप ट्राई करो, अगर आपका स्लॉट अगर आपको मिल जाता है तो ये भी देखो आपको कितने पैसों का जो आपका जो मुनाफा हो जाएगा, कितने पैसे आपके सेव हो जाएंगे। नहीं, अगर एजेंट के थ्रू लोगे तो वो तो आपको पता ही, आपको 70-80 हज़ार से कोई कम देगा नहीं। तो इसीलिए बेटर होगा कि अगर आप अभी, तो पहले वो दोस्त, सभी दोस्त पूछते हैं कि सर किस दिन जो स्लॉट्स ओपन होते हैं या कौन से टाइम में ओपन होते हैं। देखो अभी आपको खुला खुला बता दिया है, मैं नहीं बता रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, वेबसाइट पे है, आप खुद भी जाके देख सकते हो और मैं आपको जो स्क्रीनशॉट है वो भी साथ में अटैच कर दूंगा। अभी उन्होंने खुद से बताया है कि साउथ साइड के लिए जो मार्च के लिए हम 31 तारीख को जो स्लॉट ओपन करेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो भी मेरे दोस्त साउथ साइड में है, जिनका अभी वर्क परमिट आ गया या जिनका वर्क परमिट आने वाला है, अभी जैसे थोड़े टाइम में आने वाला है, तो अगर उनका वर्क परमिट जो आ जाता है जैसे 1-2 दिन में, तो वो भी ट्राई करें कि उनको जल्दी से जल्दी अपॉइंटमेंट जो मिल जाए, क्योंकि अभी वो स्लॉट ओपन करेंगे, अभी जिनकी किस्मत में होगा उनको स्लॉट मिल जाएंगे, अदरवाइज नहीं तो आपको पता ही है फिर आपको एजेंट के थ्रू लेने पड़ेंगे, तो आपका जो पैसा भी ज़्यादा लगेगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा और फिर आपको उसमें जो स्कैम होने का भी बहुत ज़्यादा डर है। तो इसलिए अभी आपके पास चांस है, अभी कोई भी ये नहीं बोल सकता कि सर स्लॉट ओपन ही हुए या हमको पता नहीं था कौन से टाइम में ओपन होने हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो स्लॉट्स के लिए ट्राई करते हैं नॉर्थ साइड में भी साउथ साइड में भी, आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो, जो 2 से 3 बजे या 4 बजे भी ट्राई कर सकते हो और रात को भी ट्राई करो, क्योंकि जैसे कोई जो अपॉइंटमेंट कैंसिल करता है तो उसका जो जो स्लॉट होता है वो जब खाली होता है तो उसको वो रात को जो रिलीज करते हैं। तो अगर आप रात को भी चेक करो बहुत अच्छी बात है। अभी कुछ कुछ दोस्तों क्या करते हैं कि अभी उनको बोलेंगे कि सर अपना जो आप खुद से ट्राई करो, एक बार ट्राई करेंगे, दो बार ट्राई करेंगे, अगर वेबसाइट नहीं ओपन हुई तो बोलेंगे यार अभी तो स्लॉट मिल ही नहीं रहे, वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, ये वो। आप ट्राई करें तो सब कुछ हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें। मेरे खुद के साथ ऐसा होता है, वेबसाइट ओपन करता हूँ, वेबसाइट होती ओपन ही नहीं होती है, कभी कभी जो OTP नहीं आता है। तो इसलिए आप ये नहीं सोचें कि आपके अकेले के साथ ये हो रहा है, जो भी सभी चेक कर रहे हैं सबके साथ ऐसा ही होता है। तो आप ट्राई करें ज़्यादा से ज़्यादा उसको ओपन करने की, क्योंकि अगर आपकी अपॉइंटमेंट हो जाती है वेबसाइट से बुक तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको ही होने वाला है। मैं बता रहा हूँ, मेरे को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, जब कोई और आपको बताएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपका स्लॉट है, अगर आप उसको खुद से बुक कर लेते हैं तो उसमें ज़्यादा फायदा आपका ही है।
तो इसीलिए दोस्तों मैं तो आपके यही बोलूंगा कि आप खुद से अपना स्लॉट बुक करें, ताकि आपके जो मन में या आपके दिमाग में कोई भी डाउट ना हो। आपके साथ इसमें स्कैम का बिल्कुल 0% है, स्कैम होने का आपके कोई चक्कर नहीं है। और जैसे अभी क्या है, मेरे दोस्त, बहुत सारे दोस्त हैं जो नॉर्थ के लिए, जिन्होंने एजेंट्स को पैसे भी दे के रखे हैं स्लॉट्स उनके लेने के लिए, बुक करने के लिए। तो मैं भी आपको बताना चाहूँगा, जैसे बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे पंजाब से हैं या चंडीगढ़ से हैं, तो अभी वो नॉर्थ साइड के लिए एजेंट्स को पैसे दिए हैं कि स्लॉट बुक कर दो। लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो जैसे स्लॉट्स हैं ना, अभी वो कोलकाता के जो ओपन हुए हैं, कोलकाता के स्लॉट्स मिल रहे हैं। तो अभी आप जब भी आप अप्लाई करना है, तो ये सोच के करें कि आपका जो स्लॉट्स है, जैसे अभी आप न्यू दिल्ली एम्बेसी के लिए ले रहे हैं, आपका चंडीगढ़ का भी आ सकता है, न्यू दिल्ली का भी आ सकता है, और कोलकाता का भी आ सकता है, और जयपुर का भी आ सकता है। तो इसमें आप ये बाद में नहीं करें कि हाँ सर मेरा तो जो सेंटर है वो दूर का है या पास का है। तो ये सब चीज़ों का आप पहले से ध्यान रखें कि आपका जो सेंटर है वो दूर भी हो सकता है, पास में भी मिल सकता है, क्योंकि अभी जो अपॉइंटमेंट मिलती है उसमें कोई भी चेंजेस का चक्कर नहीं होता है। जैसे जो अभी आप अपॉइंटमेंट लेते हो ना एजेंट के थ्रू, तो उनका क्या है, उसको आप ना तो कैंसिल कर सकते हो और ना ही उसका जो सेंटर चेंज होता है। एक बार आपकी अपॉइंटमेंट हो गई तो उसके बाद में उसका जो सेंटर है वो चेंज नहीं होता है। तो इसीलिए जब भी खुद से भी आप अपना जो अपॉइंटमेंट कर रहे हो, तो आप उसी सेंटर को ट्राई करो जहां पर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए। अगर आपने एक बार कोलकाता में अपॉइंटमेंट उठा ली या आपने दिल्ली में अपॉइंटमेंट उठा ली, तो वो आपका सेंटर चेंज नहीं होगा। तो इसलिए जो भी आपको अपॉइंटमेंट करनी है, तो बिल्कुल ध्यान से करें। तो आई होप दोस्तों कि अभी जो मैं आपको बताना चाहता आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो, और कमेंट करके बताएं अगर आपको और भी किसी कंट्री के रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो मैं ट्राई करूंगा उसके उस कंट्री के बारे में सर्च करने की और उस कंट्री के बारे में वीडियो लेके आऊँगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।